वेलकम बैक टू पैंक्यूजन चैनल। स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा आपसे बताता हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ सैमसंग का नया मोबाइल ख़रीदने, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। अरे आप ये सोच रहे होगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे बोल रहा है, तो इसके पीछे की एक स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक आप इंट्रो देख लीजिए। तो हुआ ऐसा, 24 अगस्त को मेरा फ़ोन अचानक से बंद हो गया, चालू ही नहीं हो रहा था। आपको पता है जैसे आप स्विच ऑफ करके ऑन करते हो और सैमसंग का लोगो आता है, वैसे फ़ोन में आया। तो फिर मोबाइल चालू ही नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ये किया, मोबाइल वारंटी में है क्या चेक किया। तो फिर मैंने जब भी वारंटी कार्ड देखा तो मुझे पता चला कि और 2 महीने के लिए वारंटी है, मतलब अक्टूबर 2020 तक वारंटी है। तो अच्छा हुआ कि 2 महीने ही बचे थे वारंटी ख़त्म होने के लिए। तो उसी दिन मैं सैमसंग के सर्विस सेंटर में गया और फिर मैंने मेरा मोबाइल दिखाया। तो उन्होंने बोला कि हम लोग चेक करते हैं और आपको बताते हैं। थोड़ा देर मुझे रुकने के लिए बोला बाहर, फिर मैंने अंदर जाके पूछा तो बोले कि 20 डेज लगेंगे मोबाइल रिपेयर होने के लिए, अगर मोबाइल रिपेयर नहीं हुआ तो फिर आपको रिप्लेसमेंट करके मिलेगा। तो आज 29 अगस्त है और 20 दिन के अंदर ही मुझे उनका कॉल आया कि आपका फ़ोन रेडी हो गया है, आप आके कलेक्ट कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया आते वक्त मोबाइल का बॉक्स, जो मोबाइल के साथ जितनी भी एक्सेसरीज मिली है वो लेके आना। तो आज मैं आफ्टरनून में सैमसंग के सर्विस सेंटर में गया और फिर उन्होंने मुझे बताया तो मैं शॉक हो गया। उन्होंने मुझे जितने का मेरा मोबाइल था उतने के मुझे रिफ़ंड रिसिप्ट दी और उन्होंने मुझे बताया आप सैमसंग स्टोर या विजय सेल्स और क्रोमा जितने भी नज़दीक के शॉप है आप जाके ये रिफ़ंड रिसिप्ट दिखाओगे तो इसके बदले में आप कोई भी सैमसंग का दूसरा फ़ोन ले सकते हो। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और थैंक यू बोलना चाहूँगा सैमसंग सर्विस सेंटर को कि इतनी अच्छी सर्विस देने के लिए। तो चलिए निकलते हैं और देखते हैं कहाँ पर जाना है और कौन सा मोबाइल लेना है। तो आप भी मेरे साथ ये वीडियो एंजॉय कीजिए और पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिए। तो चलिए अभी मैं निकल रहा हूँ और देखते हैं कि जो सैमसंग के स्टोर ने जितने भी उन लोगों ने शॉप बताए हैं वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितना मुझे कॉस्ट बताया गया है उतने में मुझे मोबाइल मिलता है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। तो चलिए निकलते, और निकलने से पहले ये पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी पता है। तो सबसे पहले मास्क लगाइए और घर से बाहर निकलने के पहले सैनिटाइजिंग करना मत भूलिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ ये वीडियो एंजॉय कीजिए। मैंने क्रोमा में से ले लिया है, तो अंदर ज़्यादा शूट करना अलाउड नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। तो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ कि ये इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए पीछे मेरे शॉप क्रोमा। एक्चुअली मैं पहले विजय सेल्स में गया था बट वहाँ पे मुझे इतना कुछ ज़्यादा ऑप्शन दिखे नहीं, तो इसलिए मैं क्रोमा में आया और क्रोमा में अच्छा डील मिला। मुझे खाली 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, जो बाकी अमाउंट था वो वाउचर से रिडीम हो गया। तो चलिए अभी घर पे निकलते हैं। देख रहे हो कि अंधेरी वेस्ट क्रोमा लिंक रोड के यहाँ से मैंने मोबाइल ले लिया है। तो दिखाता हूँ मैं आपको मोबाइल। तो ये है सैमसंग का A31। तो करते इसको फटाफट अनबॉक्सिंग। तो चलिए फटाफट करते इसका अनबॉक्सिंग। तो ये है सैमसंग का A31
तो इसको करते हैं अभी ओपन। तो अंदर देखिए प्यारा सा मोबाइल दिख रहा है। तो पहले इसके अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। इसके अंदर उन लोग ने दिया है एक एडेप्टर चार्जर 15 वोल्ट का, फिर उन लोग ने टाइप सी केबल दिया है और साथ में एक हेडफोन भी दिया है। तो बाकी बॉक्स में यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिलता है ये टूल किट और इसके अंदर ओहो एक कवर मिल गया है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। और अंदर कुछ यूज़र्स मैनुअल है, वारंटी कार्ड है। तो इसको सब चीज़ को हम लोग रखते हैं बाजू में। अभी आते हैं हम लोग अपने मोबाइल पे। चलिए करते हैं इसको ओपन, इसका रैप बाजू में निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा फ़ोन लग रहा है। 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, पीछे 48 मेगापिक्सल का आपको रेयर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है और आगे फ्रंट कैमरा है 20 मेगापिक्सल का। तो एक्चुअली मेरा तो चैनल टेक्निकल चैनल नहीं है, तो अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लोकल टेक सर्वाइवर चैनल का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके इस वीडियो का फुल स्पेसिफिकेशन और फुल अनबॉक्सिंग देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आगे आने वाले न्यू वीडियो के लिए आप बाजू में एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो आपको ऐसे ही आगे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।